हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी बेबी गादी बनाने का सबसे इजी तरीका, एकदम सिंपल तरीका। इसको आप दोनों साइड से यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम से सॉफ्ट बनती है। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, इसकी जो कटिंग की स्टेप्स है पूरा देखिएगा, और उसके बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और हाँ दोस्तों, इसको हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, ये बोथ साइड में एक जैसी होती है। और अभी तक आप नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका पहले पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है चार्ट, तो सबसे पहले हम इस पर मैं आपको कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और अब हम इसको इस तरह से फोर फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है, इसको हम इस तरह से फोर फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इसको फोर फोल्ड में फोल्ड कर लिया। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं ताकि आपको सारा मेजरमेंट अच्छे से समझ में आए। तो बेबी नेस्ट बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरह से चार फोल्ड में आपको फोल्ड करना है। वो फैब्रिक आपको चाहिएगा नीचे का 1.5 मीटर और ऊपर का 1.5 मीटर, टोटल आपको 3 मीटर कपड़ा इसमें चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले एक पार्ट को, कपड़े के एक पार्ट को फोर फोल्ड में कर लें, फिर यहाँ से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आपको सेंटीमीटर में बता रही हूँ, उसको आप इंच में समझिएगा क्योंकि हम छोटे साइज पे सीख रहे हैं और कपड़े पे हम इंच में लेंगे, ठीक है। तो टोटल हम लेंगे इसकी चौड़ाई 18 इंच, तो ये हो गई है 18 इंच, और इसकी लंबाई हम लेंगे 28 इंच, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी 28 इंच, इसको हम यहाँ से भी 28 इंच पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से भी हम इसकी 28 इंच पे पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ से हम इसकी 18 इंच ले लेते हैं। ये हो गया 18 इंच का, ये लीजिए। अब हम इसको सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो ये इतना आपको फैब्रिक चाहिएगा, लंबाई 28 इंच और चौड़ाई 18 इंच, ये तो है 18 और ये है 28। ठीक है, अब हम लेंगे ऊपर से यहां से 8 इंच, तो ये हो गया 8 इंच पे एक पॉइंट, उसके बाद फिर से 8 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया वापस 8 इंच पे, उसके बाद 1-1 इंच का, 1-1 इंच का, तो ये हो गया 1-1 इंच के दो पॉइंट, 1 इंच, 1 इंच, 8 इंच और 8 इंच, ये है 8 इंच का, यही है 8 इंच का और ये है 1 इंच का और ये है 1 इंच का, ठीक है। अब यहां से भी हम इसको लेंगे 18 इंच, ये हो गया यहाँ पे 18 इंच और यहां से हम ले लेते हैं 8 इंच का, और यहां से हम इसकी गोलाई लगा देते हैं। तो ये मैंने इसकी गोलाई लगा दी है। अब हम लेंगे ये वापिस 8-8 इंच का पॉइंट, यहाँ से हमने 8 इंच लिया, फिर यहाँ से भी हम 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ से भी हम 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से हम यहाँ से 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 इंच को यहाँ रख के यहाँ पे 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ से भी 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ से भी हम 8 इंच का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 8-8 इंच के पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट को हम बराबर कर लेते हैं, ये 8-8 इंच का। अब इसको हम इस तरह से गोलाई बना लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे 1-1 इंच का 1-1 पॉइंट, तो यहां से हम ये 1 इंच का पॉइंट, ये 1 इंच का पॉइंट और ये 1 इंच का पॉइंट, ये 1 इंच का पॉइंट
ये 1 इंच का पॉइंट, ये 1 इंच का पॉइंट, इस तरह से यहाँ तक हम 1-1 इंच का ऐसे पॉइंट लगा लेंगे। ये हो गए हमारे 1-1 इंच के पॉइंट। अब मैं इसको डार्क कर लेती हूँ, फिर ये वाला जो 1 इंच का पॉइंट है यहाँ पे हम यहाँ से पॉइंट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए ये 1 इंच का पॉइंट, फिर यहाँ से 1 इंच का पॉइंट, 1 इंच का, 1 इंच का, 1 इंच का, 1 इंच का, इस तरह से हम इसके अंदर मिला देंगे। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये तो है हमारी ऊपर की जहाँ पे हम लेस पट्टी लगाएंगे वो, ये है जिसमें डोरी रहेगी 1 इंच की, और ये है बॉर्डर, और ये है हमारी बच्चे की जो नेस्ट है, घोंसला जो होता है, बेड सीट जो बेड होता है, ये बेड, और ये बॉर्डर, और ये डोरी वाली, और ये है पाइपिंग जो हम फोल्ड करेंगे जहाँ पे हम लेस स्टिच करेंगे वो है। तो इससे पहले सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देते हैं। तो इस पार्ट्स को कट करके हम निकाल देते हैं। तो ये मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कटिंग कर लिया है, और अब सेम मार्क हम चारों साइड में कर लेते हैं। तो दूसरी साइड में भी आप देख सकते हो वैसा ही मार्क किया हुआ है, और 4 फोल्ड में हम इसी तरह से इसके बराबर में मार्क कर लेंगे। जैसे हमने एक साइड में मार्क किया था वैसे ही मैंने इसको 4 फोल्ड में ऐसे मार्क कर लिया, और ऐसे ही हमें कपड़े पे इसके मार्क करना है। तो इसकी बिल्कुल सेम टू सेम सारा मार्क मैंने इस पर कर लिया है पूरी गोलाई से। अब हम इसमें बीच से ओपन रखने के लिए जो हम कॉटन डालेंगे उसके लिए मैं ओपन रख रही हूँ 6 इंच का। तो 6 इंच का आप यहाँ पे ओपन रख लें ये, और बीच में हम पॉइंट लगाएंगे सिम का। तो ऊपर से 9 इंच नीचे हम एक पॉइंट लगाएंगे इस तरफ में, और ऊपर से 9 इंच नीचे हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे सिम के पॉइंट, और बीच सेंटर से भी 9-9 इंच नीचे मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, और सेंटर पॉइंट पे भी दो पॉइंट लगा दिए हैं। तो ये 6 पॉइंट हो गए हैं सिम के। बीच की गद्दी के बीच में, ये जो बीच की गद्दी है इसके बीच में मैंने 6 पॉइंट लगाए। देखिए यहाँ से 9 इंच नीचे एक पॉइंट लगाया है, और इस तरफ से भी 9 इंच नीचे एक पॉइंट लगा दिया है। तो ये इतनी भी हमें सिम करना है, ये सिम करना है, ये सिम करना है, ये सिम करना है, ये सिम करना है, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें 9 इंच नीचे ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ से 9 इंच नीचे ये पॉइंट लगा दिया, बीच सेंटर पे 2 पॉइंट लगा दिए, और 2 पॉइंट ये नीचे लगा दिए। तो 6 पॉइंट है, इनको हमें स्टिच करना है। तो ये भी हम साथ में स्टिच करेंगे, और एक सिलाई हम ये वाली लगाएंगे। देखिए इसको इस तरफ में इस तरह से ये गोलाई से होती हुई, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलेंगे। इतना हम इसको ओपन रख लेंगे, फिर इसकी हम यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे ये वाली सिलाई, और उसके बाद में हम एक ये वाली सिलाई करेंगे पूरी लंबी गोल पूरा, और एक ये वाली सिलाई करेंगे। और आगे से हमें यहाँ से इसको ओपन रखना है, यहाँ से इसको ओपन रखना है, और यहाँ से ऊपर तक उसको ओपन रखना है। तो लगभग 6-6 इंच का हम यहाँ से ओपन रख लेंगे कॉटन डालने के लिए। तो ये मैंने इसकी तीनों सिलाइयाँ कर ली है। अब इसके अंदर हम कॉटन डाल लेते हैं। तो जो हमने ओपन एरिया रखा था उससे बीच की गद्दी पहले कॉटन से फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको कॉटन डालना है, पहले बीच की गद्दी को तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कॉटन भर लिया है, और यहाँ से जो ओपन एरिया है यहाँ पे मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो ये जो इतना हमने ओपन रखा है इसको सील देते हैं। इसके बाद साइड कॉर्नर्स पे हम लेस लगाएंगे, और बाउंड्री के अंदर फिर से हम कॉटन फिल करेंगे। और ये जो कॉर्नर्स है इस पे आप कोई भी लेस लगा सकते हो। ये तो यहाँ से सील देते हैं। मैंने इसको यहाँ से लॉक कर दिया है, गद्दी तैयार है बिल्कुल से। अब ये मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसके एक आई कर दी है डोरी डालने के लिए,
और ये जो इसका ऊपर का साइड है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। तो ये मैं इसके देखिए इस तरफ इसको नीचे डालेंगे, आधा इस तरफ और आधा नीचे, इस तरह एक सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर हम ये वाली ऐसे लेस लगा देंगे। तो इसके चारों तरफ में मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे ओपन ही रख सकते हो, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से सील दिया है, और ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो ये लेस लगा सकते हैं, सिर्फ ये वाली लेस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे तो लेस और ये पट्टी दोनों लगा सकते हैं। तो पट्टी को आपको इस तरह से अंदर रखना है, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे और इसके ऊपर में हम देख सकते हो ये लेस मैंने इसके चारों ओर लगा दी है और ये थोड़ी लेस मैंने रखी है इसको यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए, जो हमने ये मुंह इसका खुल ओपन रखा हुआ है तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको इतना एक्स्ट्रा रख लिया है। अब ये जो साइड ओपन है यहाँ से पहले हम इसके अंदर डोरी डाल देंगे। ये जो डोरी के एरिया देखिए ये वाली जो इसके अंदर हम डोरी फिल कर देंगे। तो पूरी के अंदर पहले हम डोरी डाल देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम बॉर्डर के अंदर कॉटन डालेंगे। तो ये मैंने बॉर्डर के जितने डोरी तैयार की हुई है, इस तरफ से डालेंगे डोरी को और इस तरफ से निकाल लेंगे। तो मैंने पूरी डोरी को इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉटन। तो साइड बॉर्डर के अंदर पूरा जितना आप चाहें कॉटन डाल करके इसको बराबर में फिल कर ले। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको भर करके तैयार कर लिया है और अब ये जो यहाँ से ओपन है इसको हम लॉक कर देते हैं और ये जो लेस है इसके साथ ऐसे लगा देते हैं। तो मैंने लेस लगा करके इसको लॉक कर दिया है। अब इस डोरी को हल्का हल्का खींचेंगे, दोनों साइड से एक डोरी का एक पार्ट्स लेकर के खींचेंगे और इस तरफ से इसको सेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड को भी खींच करके हम तैयार कर लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से आप इसको खींचते हुए पूरी गद्दी को तैयार कर लें। तो लीजिए बेबी नेस्ट जो है बनकर के रेडी है। आज के हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। ये बोथ साइड है, दोनों साइड से हम इसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।